नमस्कार दोस्तों, अपने वाले चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए अपने वाले चैनल को और क्लिक करिए बेल के आइकन पे जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड हैंड बाइक लेने से पहले किन बातों को हमें गौर करना चाहिए। सेकंड हैंड बाइक लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें नए बाइक के जैसे आप शोरूम में बिना जाकर बिना जांचे परखे बाइक नहीं खरीद सकेंगे। ये गंभीर मुद्दा है, पर आपके मदद के लिए हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे कि आपको सेकंड हैंड बाइक ख़रीदने में आसानी होगी। सेकंड हैंड बाइक लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप एक सस्ती कीमत पर अच्छी से अच्छी बाइक ख़रीद सकते हैं, और जब आपको बाइक बेचनी हो तो आपको ज़्यादा घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कुछ बातें हैं जिस पर हमें गौर करना होगा। सबसे पहला है अपने पसंद की गाड़ियों की सूची तैयार करना। सबसे पहला और सबसे आसान कदम है कि हमें किस तरह की बाइक लेनी है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपको कोई रेसिंग बाइक लेनी है तो आप R15, पल्सर 200, अपाची 200 जैसे गाड़ियों की सूची तैयार करें जो ज़्यादा तेज़ तथा बेहतर एरोडायनामिक प्रदान करें। दूसरा दोस्तों, सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने वाले या किसी डीलर के पास जाएं। बाइक आप सीधे किसी व्यक्ति से ख़रीद सकते हैं या तो किसी डीलर, दोनों से। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, पर अगर आप किसी डीलर से बाइक ख़रीदते हैं तो ज़्यादातर मौक़ों में आपको अच्छी बाइक और कम कीमत पर ही मिल सकती है, क्योंकि डीलर किसी बाइक को ख़रीदने से पहले खुद ही जांच पड़ताल कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपना व्यवसाय इसी से चलाना होता है, तो आपको अंधेरे में नहीं रखते हैं। तो आपको उस डीलर के पास जाना चाहिए जो बाइक्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप उससे सारे डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी को सीधे उसके मालिक से लेने पर आपको थोड़ा खतरा हो सकता है, पर अगर आप गाड़ियों में माहिर हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको इससे बाइक कम कीमत पर मिल सकती है, क्योंकि इसमें डीलर जो कमीशन खाता है वो आपको उसकी बचत हो जाएगी। और अगर आप बाइक के मालिक को अच्छे से जानते हैं कि वो गाड़ी किस तरह से चलाता है, कैसे रखता है, तो आप सीधे उसके साथ विचार कर सकते हैं, टेस्ट राइड करें। यह दोस्तों, आप बाइक खरीदने से पहले उसकी एक टेस्ट राइड ले लीजिए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि बाइक कैसी है। पर अगर आपको गाड़ियों में ज़्यादा माहिर नहीं है तो अपने साथ किसी मैकेनिक या जो व्यक्ति जानकार है उसे ले जा सकते हैं। चौथा है दोस्तों, बाइक्स और उसके पेपर्स की जांच करना। स्पार्केट, ड्राइव चैन, ब्रेक्स, क्लच लीवर, फ्रेम, ब्रेक फ्लूड, ऑयल, सस्पेंशन, बैटरी और टायर्स को चेक करना है। इससे आपको पूर्णतः अनुमान लग जाएगा कि बाइक को किस तरह से रखा गया था, और चेसिस नंबर और इंजन नंबर को बाइक के पेपर के साथ मिलाकर देखें, और मालिक का नाम चेक करें कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है। और सबसे लास्ट दोस्तों, बेचने वाले से मोल भाव जरूर करें। अगर आपको बाइक पूरी तरीके से जम रही है तो वक्त आ गया है कि आप उस गाड़ी को अपना बना लें और उसके मालिक से मोल भाव करें। अपनी तरफ से हमेशा कम कीमत बोलें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं में आप उससे ज़्यादा कीमत एक ही बार में देने को तैयार ना हो जाए। इसके बाद मालिक को पैसा देकर बाइक की चाबी ले लें, फिर क्या निकल जाइए लंबे सफ़र पर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।